आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान के बाद से ही ब्राह्मणों में नाराजगी दिखनी शुरू हो गई है। कटनी में चाणक्य ब्राह्मण महासभा के ब्राह्मणों ने उनके बयान के विरोध में हाथ में पुतला लेकर जोरदार नारेबाजी कर विरोध जताया है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि संघ प्रमुख ब्राह्मण समाज से माफी मांगे। कटनी में ब्राह्मणों ने संघ प्रमुख के बयान पर नाराजगी जाहिर की है। सुभाष चौक पर चाणक्य ब्राह्मण महासभा के ब्राह्मणों ने उनके बयान के विरोध में हाथ में पुतला लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। महासभा के लोगों ने भागवत के बयान की निंदा की है और उनसे ब्राह्मण समाज से माफी मांगने की मांग की है। साथ ही महासभा के लोगों ने यह भी कहा कि जाति व्यवस्था से पंडितों को जोड़ना ठीक नहीं है, संघ प्रमुख को अपना बयान वापस लेना चाहिए। ब्राह्मण समाज हमेशा देश में एकता भाईचारा कायम रखने की बात करता है, इस तरह के बयान से सामाजिक वैमनस्यता बढ़ेगी। पंडितों को लेकर दिए बयान से ब्राह्मण समाज अपमानित महसूस कर रहा है, भागवत के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं विरोध प्रदर्शन पर पुलिस प्रशासन ने कहा कि उनके हाथों से पुतला छुड़ा लिया गया था, उन्होंने प्रदर्शन किया और वे लोग चले गए। जो पंडितों ने जाति बनाई है, उनकी वक्तव्य जारी हुआ था, उसके विरोध में चाणक्य ब्राह्मण महासभा द्वारा सुभाष चौक में पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया था। चूंकि प्रशासन की समझाइश थी कि आप विरोध कर लीजिए पर पुतला दहन मत करिए, तो शासन प्रशासन से सहयोग करते हुए अपन ने विरोध किया। मोहन भागवत जी का वर्ण व्यवस्था अनादिकाल से चली आ रही है, जाति ब्राह्मणों ने बांटी, आप अपने राजनीतिक लाभ के लिए जाति की व्याख्यान करते हुए जाति को आपने बढ़ाया है। पंडितों ने कोई जाति नहीं बनाई, पंडितों ने कोई संविधान नहीं बनाया। श्री मोहन भागवत जी का विरोध जो है ब्राह्मण समाज द्वारा किया गया है और उन्होंने जो है नारेबाजी की और फिर चले गए। पुतला ने हाथों में पुतला जो था उनसे छुड़ा लिया गया है, पुतला कोई दहन नहीं हुआ है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।